नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने FTP कॉन्फ़िगर किया था, उसके पहले HTTP भी कॉन्फ़िगर किया था। अभी ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट DNS विच इज डोमेन नेम सिस्टम। अभी डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, कोई भी आप वेबसाइट देखते हो उसका एक नाम होता है, जैसे कि YouTube.com। अभी ये YouTube.com जो है वो एक डोमेन नेम है। टेक्निकली देखा जाए तो वो एक सर्वर भी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर IP एड्रेस भी असाइन किया है। तो आप यूट्यूब के वेबसाइट के लिए आप YouTube.com भी डाल सकते हैं, या फिर उसे उसके IP एड्रेस से भी कॉल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। DNS जो होता है वो एक IP एड्रेस से मैप होता है, और वो एक IP एड्रेस है वो एक DNS से मैच होता है। तो उसके लिए आपको ये सर्वर पे हम लोग ने कुछ चीज़ें रखी है, तो लेट्स एक्सेस इट, देखते हैं कि वो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। 192.168.1.4, यस, ये HTTP कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने पिछले वीडियोस में किया था। तो अभी हमें इसे एक डोमेन नेम के साथ मैप करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो गो टू द सर्वर, नहीं उसके पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में एक DNS सर्वर करके ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग सर्वर का IP एड्रेस दे देंगे, विच इज़ 192.168.1.4। सिमिलरली दूसरे PC के लिए भी ये चीज़ असाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कर रहे हैं, इसके लिए हर एक PC को कर रहे हैं। अभी सर्वर में हम लोग सर्विसेज में DNS सेक्शन में जाएंगे, तो इसे DNS सर्विस ऑन करनी है, यहाँ पे DNS नेम देना है। तो हम लोग लेते हैं www.google.com, देन IP एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, विच इज़ 192.168.1.4। लेट्स ऐड दिस, यहाँ पे ये चीज़ ऐड हुई है। अगर आपको रियल लाइफ में ये सब चीज़ करनी है, तो डोमेन नेम आपको आपके जहाँ डोमेन नेम प्रोवाइडर होते हैं उनके अकाउंट में ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। फिलहाल हम लोग ये वर्चुअली कर रहे हैं। नाउ लेट्स एक्सेस, पहले हम लोग IP एड्रेस से मैप करते हैं। यस, ये एक्सेस हो रहा है IP एड्रेस से। नाउ एक दूसरे PC से हम लोग देखते हैं कि डोमेन नेम से हम लोग मैप कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे www.google.com, तो ये एक्सेस हो रही है। तो DNS कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किया जाता है। Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos. Like and share videos with your friends.